मैं सऊदी अरब गया था, वहाँ आंखों का ड्रॉप डाला था तो उसका मुझे असर हो गया, उसके वजह से विजन लो हो गया। अभी डॉक्टर क्या कहते हैं? अभी उसका कोई उपाय नहीं है, ग्लूकोमा हो गया है, तो अभी जो थोड़ा कुछ बचा है 5% वो टिका रहा है। और आपके बेटियों को पढ़ाते हो? हाँ, बेटियां पढ़ती है, एक 12 कक्षा में, एक 8वीं कक्षा में, एक 1ली कक्षा में। और जो पहली कक्षा में जो लड़की, अगले साल मैंने उसका भर्ती किया है, तो आरती के अनुसार उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसका 1 से 8 साल तक सरकार उसको पढ़ाई कराएंगे। अरे वाह। और बाकी दो बेटियां जो 12वीं वगैरह में पढ़ती हैं, उनका कैसा है पढ़ने में? वो दोनों लड़कियों को भी स्कॉलरशिप मिल रहा है हर साल, जब से आप आए हैं सरकार में तब से स्कॉलरशिप मिल रहा है। कितना स्कॉलरशिप मिलता है? वो उनको बड़ी लड़की को 10,000 रूपया और छोटी लड़की को 8,000 रूपया। तो इन बेटियों ने क्या सोचा है, क्या पढ़ करके क्या करना चाहती है? ये बड़ी लड़की का अभी रिजल्ट आया है, अभी 10 बजे वो 80% आया है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर बनना चाहती है? हाँ जी। है क्या वहाँ आपके साथ बैठी? हाँ, है क्या साथ में? आप हमारे साथ में बैठी है। कौन है बताओ बेटा, क्या नाम है? आप उनको आशीर्वाद दीजिए सर जी। अरे मेरे आशीर्वाद है, क्या नाम बेटा? आलिया। अच्छा बेटा बताइए, डॉक्टर बनने का मन विचार आया? पापा की प्रॉब्लम को देखकर। उसे नहीं बोला जाएगा, वो थोड़ा भावुक हो गई है। भेज भेज, वो थोड़ा भावुक हो गए तो वो नहीं बोल सकेगी सर जी। ऐसा है, बेटी को बेटी, तुम्हारी ये जो संवेदना है ना, वही तुम्हारी ताकत है। देखिए ये बेटियों का सपना पूरा करना। हाँ जी, हाँ जी सर जी। हाँ, और कुछ कठिनाई हो तो मुझे भी बताना। ठीक है सर जी, ठीक है। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।